हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। आई होप सो आप मेरी क्लासेस को देख रहे होगे और आपको मेरी क्लासेस अच्छी भी लग रही होगी, जहां हम पढ़ते हैं लिटरेचर और ग्रामर के बारे में बहुत ही आसानी से। ओके, आज का टॉपिक भी बहुत ही नाइस और इंटरेस्टिंग होने वाला। आज का टॉपिक है इट। यस, इट। बच्चे सोचेंगे इट के ऊपर? यस, बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं इट के बारे में, बट बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो नहीं जानते इट के बारे में। तो चलिए आज मैं उन्हीं का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ और पढ़ते हैं इट के बारे में। इट इज यूज्ड फॉर प्लेस, थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स। यानी कि इसका इस्तेमाल जो किया जाता है किसी वस्तु के लिए, किसी जानवर के लिए या किसी जगह के लिए किया जाता है। ओके, चलिए इसके चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, जिसे हम देख लेते हैं। पहला, ये इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए। दूसरा, हैज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, समय के लिए। और चौथा जो करा है, समय लगने के लिए, जिसमें हम टेक जो वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इट। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। साथ ही साथ मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे सजीव वस्तुओं के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। सजीव जो वस्तुएं होती हैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम कोई अगर काओ का या किसी पैट का ऐसे लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप देखते हो ना, इट हैज़ फोर लेग्स। तो ये मॉडर्न इंग्लिश मीन्स ये है कि एनिमल्स के साथ हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इट इज़ अ पेंसिल, पेंसिल निर्जीव चीज़ है, लॉन्ग लिविंग है। इट इज़ अ लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ओके, यानी कि ये हमारा नॉन लिविंग हुआ। आगे देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या बताते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमारा ये बताया गया है कि इट जो है एज अ सब्जेक्ट, यानी कर्ता के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इट इज़ अ संडे, टुडे, आज संडे है। देखो, इट बना दिया, सब्जेक्ट के रूप में बनाया है। इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे, कल हॉलीडे था। देखो, इट कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट थ्री में बताया गया है कि जो इट है वो समय हो चुका या हो चुका था, हैज़ बिन और हैड बिन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इट का इस्तेमाल। इट हैज़ बिन फोर डेज, राइट, इट हैज़ बिन फोर डेज। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर टू डेज, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर टू डेज। इट हैड बिन मैनी ईयर्स। ओके, देखिए हैज़ बिन, हैड बिन में इट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में है, समय बता रहा है। आगे देखते हैं बेटा फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या बताया है। फोर्थ कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है हमको समय लगना। अभी मैंने आपको बताया था इट सब्जेक्ट रहेगा, करता रहेगा, बट उसमें जो टेक है, वर्ब जो है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। अब टेक की तीनों फॉर्म्स होती हैं, समय के अनुसार वो बदलती रहती है। जैसे इट टेक्स टू मंथ्स, इट विल टेक वन मिनट्स, ठीक है, टेंस के अनुसार बदलना। के जो इट है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, बट उसके साथ अगर वर्ब टेक बन जा ले लिया जाता है तो वो समय लगना हो जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है। मतलब ये होता है बेटा, जो वर्ब है वो काल यानी टेंस के अनुसार बदलती रहती है, उसी अनुसार इट का इस्तेमाल जब उससे हो जाता है तो फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा लगता है। अब ये देखो, अगर हमारे पास, देखो नीचे इट विल टेक वन मिनट फ्यूचर का है, उसे एक मिनट लगेगा, ठीक है। इट टेक्स टू मंथ, उसे दो मंथ लगे, तो दोनों में देखो काल का फ़र्क है, टेंस का फ़र्क है। तो यानी कि जो टेक्स वर्ब है वो हमारी जो है टेंस के अनुसार बदलती रहती है। ओके, आज की जो ये क्लास है, आई होप सो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी छोटा सा उसकी हिंट दी थी, उसके रिलेट में भी मैं नाउन के रिलेट में भी क्लास ले चुकी हूँ आपकी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो पढ़ लीजिएगा। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।